वेलकम टू माय चैनल जीके के इंटरप्रेटर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वैकेंसी आई है जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि आपका रैली होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बोला है सिलेक्शन टेस्ट फॉर अनमैरिड मेल सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान 02/2021 के लिए। इसका जो वेन्यू एंड लोकेशन रहने वाला है 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर लोकेटेड एट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली। और इसका डेट ऑफ बर्थ आपका रहने वाला है 18 जुलाई 2000 से 30 जून 2004 तक, जो कि बोथ डेट इंक्लूसिव रहेगा। ये आपका जो ग्रुप ट्रेड है वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है ऑफलाइन होगा, यानी सेंटर पे जाके ही आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा। जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे बताया गया कि 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। और इसका क्वालिफिकेशन बताया गया है 10+2 इंटरमीडिएट, जो कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। फॉर द डिटेल सी द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे साइड में अगर कंप्यूटर से आप खोलते हैं तो साइड में आपका एक लिंक शो होगा, मैं इसे डाउनलोड करके रखा हूँ आपका एडवर्टाइजमेंट। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जो कि बोला है कि इन्वाइट अनमैरिड मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ट्रायल शेड्यूल 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में होगा एयरमैन वाई ग्रुप के लिए, जो कि नॉन टेक्निकल। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है न्यू विलिंग, जो कैंप के लिए यहां पर भर्ती करवाया जाएगा, जो कि मार्ग न्यू दिल्ली 11003 इसका पिन कोड है। इनटेक है यहां पे 02/2021। यहां पे वाई ग्रुप के लिए फिटनेस टेस्ट, उसके बाद नीचे कुछ कारण बताए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अनमैरिड मेल कैंडिडेट है और नेपाली सिटीजन है, वो इसमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है वो इस वाई नॉन टेक्निकल ग्रुप में भर सकते हैं। इस एड्रेस पर जाके आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्समैन के यहाँ पर बताया गया कि जैसे एथलीट्स में है, उसके बाद है बेसबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, ड्राइविंग है, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, स्क्वाड्स, स्विमिंग, वॉलीबॉल और वाटर पोलो आप करते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि इतना केजी का, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट पुट और जेवेलियन का यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह का कंडीशन आप फॉलो करते हैं इतना, तो आप इसमें जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद वेट लिफ्टिंग और रेस्लिंग का भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डे जो आपका होने वाला है 26 अप्रैल को यहाँ पर बताया गया है, जो कि इस सेंटर पे जाना है, जो कि 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली। यहाँ पे एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और फोर्स एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एंड यहाँ पे सब बताया गया कि PFT 1 और PFT 2 यहाँ पे कंडक्टेड होगा न्यू विलिंग के लिए कैंप में। सेकेंड डे में यहाँ पर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल किया जाएगा, जो कि वेरीफिकेशन भी किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स उसी दिन। थर्ड में दिया है कि 28 अप्रैल को होगा, जो कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल फॉर कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड। जो शॉर्टलिस्ट होगा ट्रायल में, उसे थर्ड डे में बुलाया जाएगा। उसके बाद फोर्थ डे होगा और फिफ्थ डे में मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है द रिक्वायरमेंट टेस्ट इज़ नॉट सिलेक्टेड इन कमीशन ऑफिशियल एंड पायलट डेलीगेटेड। यहाँ पे आपका सिर्फ एयरमैन का सिलेक्शन हो रहा है, जो कि स्पोर्ट्स कोटा में। उसके बाद यहाँ पे 10+2 कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि कौन सा नेशनल लेवल चैंपियनशिप क्या क्या है, यहाँ पे आप पढ़ के पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि एलिजिबिलिटी फॉर क्रिकेट डिसिप्लिन के लिए अलग से यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं अचीवमेंट क्या होना चाहिए, पूरा ट्रॉफिक क्या क्या है, ट्रॉफिक दिलीप ट्रॉफिक, देवधर ट्रॉफिक, यहाँ पर ट्रॉफिक का नाम भी बताया कि कौन कौन सा ट्रॉफिक आप जीते हैं, तो इसमें भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, जो कि 18 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके संग संग आपका स्पोर्ट्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल का कंडीशन देख सकते हैं, मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव, वेट आपका हाइट के हिसाब से, हेडिंग यानी सुनने का क्षमता आपका होना चाहिए 6 मीटर ईच ईयर सेपरेटली, डेंटल यानी दांत के बारे में, हेल्थ के बारे में, और हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए। ड्रग आप लेते हैं तो इसमें आप अप्लाई मत करें, वहाँ पर सिख के लिए अलग से छूट दिया जाएगा, जो सिख रेजिमेंट जो आते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यहाँ पे बताया है, ओरिजिनल आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, 4 अटेस्टेड फोटोकॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, और स्पोर्ट्स किट भी आपको लेके जाना है जो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं।
इतना सब लेके जाना है। एनओसी अगर कहीं जॉब करते तो एनओसी आपको लेना लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद कंसेंट फॉर्म नीचे की तरफ दिया हुआ है, इस कंसेंट फॉर्म को अगर 18 साल से कम एज के है तो आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। जो यहाँ पे बोला है अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलो 18 ईयर ऑफ एज टू बी प्रोड्यूस बी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 18 साल से कम है तो इस फॉर्म को जरूर भरे और लेके जाए। उसके बाद भरने के बाद नीचे की तरफ ऑफ दिया टर्म एंड कंडीशन हिसाब पढ़ सकते हैं। पे पर्क वगैरह बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर्क किसको दिया जाएगा। वेरीफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी दिया है फिटनेस फिजिकल में आपका, यहाँ पे 10 पुशअप हो जाएगा, 10 सिटअप्स और यहाँ पे 20 स्क्वाट होगा। एक एक मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद नीचे के दिया स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल के बारे में बताया गया, मेडिकल आप देख लेंगे अच्छे से। हाउ टू अप्लाई करना है यहाँ पे बताया गया था। अप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे प्रिंट करना है जो कि A4 साइज़ का, और इसे आप भर के लेके जाना होगा यहाँ पे। इस ईमेल आईडी पर भी आप ऑफिशियल सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की और भी तरफ दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि गाइडलाइंस पर फिलिंग अप्लीकेशन, फर्स्ट में आपका नाम लिखना है जो कि, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे एयरफोर्स का कुछ कुछ क्राइटेरिया दिया, वार्निंग दिया, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना आपको भरना है। अप्लीकेशन का यहाँ पे फॉर्म दिया है, इस अप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके पूरा ईमेल आईडी, रजिस्टर नंबर वो लोग भरेंगे, ईमेल आईडी भरना है, ब्लॉक लेटर में नेम भरना है, फादर नेम भरना है कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे की तरफ आए क्वालिफिकेशन कौन कौन सा है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट नंबर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे पास, कब पास हुए थे, सब्जेक्ट क्या क्या था, मार्क्स कितना पाए थे और एग्रीगेट मार्क्स कितना है, मतलब परसेंटेज कितना है। अचीवमेंट में आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे आपका सब डिटेल्स भरना पड़ेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जहाँ कट मार्क होगा उसे आप भर सकते हैं इसमें। एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्ड भरना है, परमानेंट अगर सेम है दोनों तो दोनों सेम भर दे। नेशनलिटी इंडियन आपको, अगर नेपाली से तो नेपाली आपको भरना है। कॉन्टेक्ट नंबर भरना है, बाकी सब यहाँ पे प्लेस और डेट सिग्नेचर भरना है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इसमें देना है। उसके बाद कंसेंट फॉर्म बिलो 18 ईयर है तो आप कंसेंट फॉर्म भी आपको लेके जाना है संग में। तो इतना ही था इन्फॉर्मेशन, आई होप कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। इन्फॉर्मेटिव चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूँ, आपको सूचित भी करते रहता हूँ। यहाँ पे आपको इसी डेट के अंदर में आपको वहाँ पे जाना है। अगर आप इसके एलिजिबल है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें, अप्लाई करके फॉर्म को सेंड करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम डेट के समय तक आप इसे एग्ज़ाम देने जाए, जो कि 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आपका होने वाला है।